आज हम बात करने वाले हैं डिक्स और एनी सिरप के बारे में, तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका आपके अपने YouTube चैनल द इंडियन फार्मेसी में। दोस्तों, डिक्सोरेन जो सिरप होता है, इसका इस्तेमाल कमजोरी, इम्यूनिटी जो कमज़ोर हो जाती है, एनीमिया, इसके बाद भूख की कमी होती है, लाल रक्त कोशिकाएं की मात्रा शरीर में कम हो जाती है, तो उसको बढ़ाने के लिए इसका उपयोग जो है वो किया जाता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि डिक्सोरेन जो सिरप है वो काम कैसे करता है, इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, इसके साइड इफ़ेक्ट, इसका डोजेस क्या होना चाहिए। तो इसका इंग्रेडिएंट की बात करें, फेरिक एमोनियम सिट्रेट, साइनोकोबालामिन एल्कोहल और फॉलिक एसिड इसके इंग्रेडिएंट हैं। इसमें इसको मिलाकर ये जो सिरप है, इसमें मेनली इंग्रेडिएंट यही चीज़ इसमें पाए जाते हैं। ये डिक्सोरेन सिरप जो है, इसका मेनली इस्तेमाल डॉक्टर भूख नहीं लगता है तो उसमें इस सिरप को प्रेफर करता है। इसकी यूजेस की बात करें तो इसका इस्तेमाल कमजोरी, इम्यूनिटी जो कमज़ोर हो जाते हैं, एनीमिया, स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए ये काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। इसके बाद भूख नहीं लगने की जो प्रॉब्लम होती है, भूख नहीं लगता है। इसके बाद लाल रक्त कोशिकाओं खून को बढ़ाने के लिए डिक्सोरेन सिरप का उपयोग किया जाता है। इसकी सही डोजेस क्या है? 15 ml वयस्क जो लोग हैं, जो 15 ml दिन में एक बार ले सकते हैं, और अधिक जानकारी आप अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से ज़रूर लें। उसके प्रिस्क्रिप्शन, उसके बताने के आधार पर ही आप इस दवा का सेवन करें। इसके साइड इफ़ेक्ट क्या क्या होती है? तो साइड इफ़ेक्ट पेट में दर्द होना, काला मल, जी मचलाना, मतलब थोड़ा अजीब, खट्टी डकार, ठंड लगना, इसके बाद डायरिया, खुजली, पेट में गैस, इस टाइप की कुछ साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। अगर कोई साइड इफ़ेक्ट है तो अपने अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लेना चाहिए। और एक खास ख्याल रखना चाहिए कि अगर आप इसके अलावा कोई दवा का सेवन कर रहे हैं, आपको या इस चीज़ से एलर्जी है, तो आप अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट को इसकी जानकारी ज़रूर दें। धन्यवाद।